हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मॉम्स बेबी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी, हेल्दी होंगी एंड सेफ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि हमें छोटे बच्चों को सॉलिड्स कब से देना स्टार्ट करना चाहिए और हम क्या दे सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड फ्रेंड्स, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि हमें छोटे बच्चों को सॉलिड्स जो है वो कब से देना स्टार्ट करना चाहिए। क्या होता है कि जब हम पहली बार माँ बनते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमें अपने छोटे बच्चों को सॉलिड्स कब से देना है। कहा जाता है कि जो पहले के 6 महीने होते हैं उसके बच्चों को माँ का दूध ही देना चाहिए, मतलब कि हमें अपना स्तनपान ही करवाना चाहिए। मदर फीडी जो होती है बच्चों के लिए सबसे अच्छी फर्स्ट 6 मंथ के लिए डाइट होती है। बट आज मैं आपको इस वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्या था कि मेरे दोनों बेबीज ने ही मदर फीड नहीं लिया है, वो फॉर्मुला मिल्क पर ही रहे हैं। तो मैंने जो उनको सॉलिड है वो कब से दिया था और क्या क्या दिया था, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, मेरे दोनों बेबीज के टाइम पे क्या हुआ था कि वो मदर फीड नहीं ले रहे थे। फर्स्ट 3 मंथ मैंने उनको बाय पंप के थ्रू या फिर हमें मतलब कि कॉली चम्मच जैसे भी अपना फीड निकालते थे और उनको बॉटल में जा चम्मच से उनको पिलाते थे। बट आफ्टर 3 मंथ्स क्या होता था, मेरा इतना दूध नहीं बन रहा था क्योंकि वो खुद से खींच नहीं रही थे। तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला मिल्क भी बच्चों बहुत ज़्यादा नहीं लेते थे, मतलब उनका पेट भरता ही नहीं था। आफ्टर 3 मंथ्स मेरी फर्स्ट जब बेबी गर्ल हुई थी तो उसको जब मैं फॉर्मूला मिल्क देती थी तो वो थोड़ी देर बाद ही भूखी हो जाती थी। तो फिर मैंने 4 मंथ जब उसको स्टार्ट हो गया था तो मैंने उसको सॉलिड देना स्टार्ट कर दिया था। तो ये डिपेंड करता है कि आपके अपने बच्चे पर कि आपका बच्चा उसको डाइजेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि 6 मंथ तक वैसे हमें सॉलिड्स नहीं देना चाहिए। बट मेरे एक्सपीरियंस में मेरे दोनों बेबीज के साथ, अभी मेरी जो सेकेंड डॉटर है वो 5 मंथ्स की हो गई है, तो उसको भी मैंने 4 मंथ के बाद सॉलिड देना स्टार्ट कर दिया एंड वो अच्छे से डाइजेस्ट कर लिया। ओनली 2 टाइम ही जो है वो पोटी करती है। तो आप हर बच्चा अपना अपना डिपेंड होता है बच्चे का कि बच्चा को डाइजेस्ट कर रहा है या नहीं। तो अब जब सॉलिड दें, अगर आपका बच्चा मदर फीड ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसको 6 मंथ के बाद स्टार्ट करें। अगर आपका बच्चा मदर फीड नहीं ले रहा है, ओनली फॉर्मूला मिल्क ही ले रहा है और आप ब्रेस्ट पंप के द्वारा उसको मदर फीड दे रहे हैं तो बहुत टफ हो जाता है। आफ्टर 3 मंथ्स बच्चा ग्रो करने लग जाता है, उसका पेट नहीं भरता है, तो आप उसको सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको सॉलिड्स में बच्चों को स्टार्ट करना है, मैंने जो स्टार्ट किया था मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपके साथ। मैंने सबसे पहले जो है सूजी की खीर, बच्चे को एप्पल का जूस, मतलब कि एप्पल को अच्छे से छील के उसका छिलका उतारना है आपको, उसको छोटे छोटे पीसेस में चॉप करना है एंड उसको स्टीम करना है। स्टीम करने के बाद आप उसको ग्राइंड करें एंड उसका जूस निकाल लें। आपकी मेहनत तो जरूर लगेगी बट आपका बच्चा जो है बहुत अच्छे से उसका पेट भर जाएगा। तो आपने स्टार्टिंग में क्या करना है, हाफ एप्पल से भी कम, मतलब कि हाफ एप्पल भी नहीं लेना है, हाफ एप्पल मतलब 1/4 जिसे कहते हैं 1/4 एप्पल लीजिए और उसको ग्राइंड करके स्टीम करके ग्राइंड करके उसका जूस निकाल कर बच्चे को दें। आप देखें कि आपके बच्चे ने डाइजेस्ट किया है, मे बी वो स्टार्टिंग में जो है थोड़ी देर बाद पोटी कर दे बट 1-2 दिन बाद जो है वो उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। तो आप उसको एप्पल का जूस दे सकते हैं, आप उसको सूजी की खीर रात के टाइम दें। मतलब मैंने अपने दोनों बेबीज को, फर्स्ट बेबी को भी रात के टाइम देती थी, मैंने उसको 4 मंथ से स्टार्ट की थी और 3 ईयर्स तक दी है, मतलब 2.5 ईयर्स तक उसको मैंने सूजी की खीर रात को खिलाई है। उससे क्या होता है, बच्चे का पेट भरा रहता है, बच्चा सोता रहेगा और आपको भी परेशान नहीं करेगा और बेबी खुद भी जो है अच्छे से नैप टाइम अपना ले सकता है। तो आपको क्या करना है, सूजी लेनी है, उसको देसी घी डालना है थोड़ा सा अपनी सूजी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग और उसको भूनना है, अच्छे से ब्राउन कर लेना है मतलब, एंड उसके बाद सूजी को पीसना है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट उसकी खीर बनाएंगे ना तो बच्चा नहीं खाएगा, मतलब वो थूक देगा। तो आपको क्या करना है, सूजी को भूनने के बाद उसको पीस लेना है। जब आप उसको पीस लेंगे आप उसको एक कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करके रख दें। जब भी चाहें आप बच्चे को, वैसे तो अब मैं रात के टाइम में देती थी, आप जब भी आप दिन में ट्राई कीजिए, अगर आप स्टार्टिंग में दे रहे हैं तो उसको दिन में आपको मतलब थोड़ी सी इतनी सी क्वांटिटी में सूजी, हाफ टी स्पून जो आपको सूजी डालनी है, थोड़ा सा मिल्क डालना है, ठीक है, एंड उसके बाद आपको बेबी के लिए खीर बनाकर उसे खिलानी है। और इवन मैं ये खीर अपनी बेबी को जो है वो बॉटल में ही
डालकर दी है। फर्स्ट बेबी को भी मैंने बॉटल में ही पिलाई है एंड सेकेंड बेबी को भी बॉटल में पिलाई है। तो आप उसको सॉलिड्स के अंदर सूजी की खीर दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा दलिया की खीर खा रहा है तो बहुत अच्छा, वो भी आप दे सकते हैं उसको, कि दलिया को भून लीजिए, उसको पीस लीजिए, कंटेनर में स्टोर करने के बाद उसको दलिया भी खिला सकते हैं एंड उसको सूजी की खीर दे सकते हैं, एप्पल का जूस दे सकते हैं। आजकल जैसे कि मैंगोज बहुत सारे आ रहे हैं, तो मैंगो जो होता है ना वो बच्चे का पेट खराब कर देता है, तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, जस्ट इतना, मतलब कि बिल्कुल थोड़ा सा एज उसके टेस्ट के लिए आप उसकी प्यूरी बनाकर उसको 1-2 टेबल स्पून ही दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप अपने बेबी को, अगर आपका वो मदर फीड नहीं ले रहा है तो 4 मंथ के बाद भी आप ट्राई कर सकते हैं। आफ्टर 6 मंथ तो आप अनार का जूस भी निकाल के बच्चे को दे सकते हैं, एप्पल का जूस है जो, हाँ, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है ना तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। आप देखिए कि वो डाइजेस्ट करे, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो जैसे कि आपने पहले 1/4 एप्पल का जूस बनाया, आफ्टर 6 मंथ उसको हाफ एप्पल देना स्टार्ट कर दीजिए। फिर 6 मंथ के बाद जब वो 7 मंथ का हो जाता है तो उसको 1 एप्पल दीजिए। बच्चा टीथ निकालना शुरू कर देता है, आप उसके हाथ में भी कोई चीज़ दे सकते हैं। एंड एप्पल जूस हो चुका है, सूजी की खीर हो गई है, नेक्स्ट जो आती है वो आ जाता है बिस्किट। आप क्या कीजिए, जो ग्लूकोज वाले बिस्किट्स होते हैं, जो न्यूट्री डाइजेस्टिव वाले बिस्किट्स होते हैं, कोई भी बिस्किट लीजिए, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। आप जब भी बेबी को मिल्क दें तो उसके अंदर 1/2 टेबल स्पून बिस्किट का पाउडर डाल के दें। उससे क्या होगा कि बच्चे का पेट भरेगा। अगर हम बच्चे को खाली मिल्क देते रहेंगे तो क्या होता है कि बच्चा शुशु करता है और उसका पेट खाली हो जाता है और वो रोने लग जाता है। तो आप ऐसे धीरे धीरे जो है अपने बेबीज को सॉलिड्स देना स्टार्ट कर सकते हैं। बनाना दीजिए, आप बनाना जो है मतलब शाम के टाइम बिल्कुल मत दीजिए, वो क्या होता है बच्चे के लिए खांसी और जुकाम कर सकता है। तो मैं भी जब भी बनाना देती हूँ तो बेबी को बिफोर 4 PM मतलब कि 4 बजे से पहले ही मॉर्निंग में या आफ्टरनून में कभी भी दे देती हूँ। तो आप स्टार्ट कीजिए उसको ओनली हाफ बनाना, बनाना प्यूरी बनाइए, बहुत यम्मी लगती है बच्चों को और बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। आपको हाफ बनाना लेना है और उसको अच्छे से मैश करके उसमें थोड़ा सा दूध डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके बच्चे को खिलाएं, बच्चे को बहुत टेस्टी लगती है। तो ये सारी ही ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप बच्चे को सॉलिड्स में दे सकते हैं और 4 मंथ्स के बाद भी दे सकते हैं, 6 मंथ के बाद तो नो प्रॉब्लम। वैसे तो 6 मंथ के बाद अगर आपका बच्चा मदर फीड ले रहा है, आप ये मत सोचें कि आज मैंने आपका सॉलिड्स बता दिए कि हाँ 4 मंथ बाद दे सकते हैं तो चलिए हम अब बच्चे को मदर फीड छोड़कर उसको ये सब देना स्टार्ट कर दें। नहीं, ऐसा नहीं करना। माँ का दूध तो बच्चे के लिए बहुत बेस्ट है, आप 6 मंथ तक दीजिए दीजिए। बट अगर वो नहीं लेता है मदर फीड, स्टार्टिंग से ही बेबी फॉर्मुला मिल्क ले रहा है, तो उसके लिए आप सॉलिड जो है वो 4 मंथ के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। कोई इशू नहीं आता, कोई बेबी को प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने दोनों बेबी को दिया, इवन सेकंड बेबी मेरी अभी ले रही है, मैंने बोला कि वो 5 मंथ के भी हुई है तो वो ले रही है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और फर्स्ट जो है मेरी क्लियंट 1/2 ईयर की हो चुकी है डॉक्टर, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आप दोनों अपने बेबीज को दे सकते हैं, बस ध्यान रखना है क्वांटिटी का। कोई भी चीज़ आप जो स्टार्ट करें उसकी क्वांटिटी बहुत ही थोड़ी मात्रा में दें, मतलब 1-2 चम्मच, 1/2 कटोरी से ज़्यादा तो बिल्कुल भी मत दें, ठीक है ना। तो मतलब क्वांटिटी आपको ध्यान में रखनी है, 2 टेबल स्पून स्टार्टिंग में रखने हैं। 4 मंथ्स में तो 2 टेबल स्पून इनफ होता है बच्चे के लिए। तो अगर आपको लगता है 2-4 डेज वो इसको डाइजेस्ट कर रहा है, आप 2 के 4 टेबल स्पून कर दीजिए, 6 कर देंगे 1/2 कटोरी हो जाएगी, ठीक है। तो 1/2 कटोरी से ज़्यादा आप 6 मंथ तक बिल्कुल भी बच्चे को कोई भी चीज़ दे रहे हैं वो ना दें। और ये जो सॉलिड्स हैं आप दिन में मतलब कि 3 टाइम्स दे सकते हैं, जैसे कि 3 घंटे, अगर आज अभी आपने बिस्किट पाउडर दिए बच्चे को दूध में, तो 2 या 3 घंटे के बाद ही सेकंड टाइम आइटम दें। ये नहीं है कि अभी आपने बिस्किट लाया एंड 1/2 आवर बाद ही आपने उसको एप्पल का जूस दे दिया, तो बच्चा डाइजेस्ट नहीं करेगा, वो साथ के साथ जब पोटी कर देगा। तो आप कोई भी चीज़ उसको खिलाते हैं, जैसे आप दूध बच्चे को अच्छे से डकार दिलाते हैं, ऐसे ही आपको सॉलिड्स के बाद भी बच्चे को अच्छे से डकार दिलानी है, ताकि बच्चा डाइजेस्ट कर ले, वो उल्टी, वॉमिट या पोटी ना करे। तो ये था फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो, कि बच्चों को हम सॉलिड्स कब से स्टार्ट कर सकते हैं एंड हम सॉलिड्स में स्टार्टिंग में क्या क्या दे सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, आपका 1 लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एंड शेयर कीजिएगा,
क्या होता है, शेयर करने से जो भी न्यू मॉमीज होते हैं उनको काफी हेल्प मिल जाती है। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में।